बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो जिसपे बच्चे खेल सके इस तरह की फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जिसका जो शिखर है वो कितनी, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो, उसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। उसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का कोण हुआ। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, दोनों ही स्थिति में हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों अगर आप इसको समझे थोड़ा सा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसको एक फिसलन पट्टी बनानी है छोटे बच्चों के लिए जिसकी जिसका जो ऊपरी सिरा है या फिर जिसका जो टॉप है वो 1.5 मीटर पे हो, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी हो 1.5 मीटर। और दूसरी बात, ये जो फिसलन पट्टी है यहां से ऐसे फिसलने के लिए, ये जो फिसलन पट्टी है ये कितने डिग्री का कोण बना रही हो, 30 डिग्री का कोण बना रही हो। जो कोण हो वो कितने का हो, 30 डिग्री का हो। एक तो ये फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी हमारे पास ये है। एक दूसरा केस क्या है कि बड़े बच्चों के लिए जो है वो 3 मीटर, और इसके लिए जो कोण है हमारे पास वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। यहां पे जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब दोनों ही केस में फिसलन पट्टी की लंबाई, ये लंबाई, ये फिसलन पट्टी है, यहां पे फिसलेंगे बच्चे, तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। दोनों ही केस में हमें इसकी और इसकी जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। एक बार फिर से दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जिसका शिखर, ये शिखर यानी कि यहां से यहां तक जो ऊंचाई है वो कितनी हो, 1.5 मीटर हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, और भूमि के साथ उसका कोण कितना हो, 30 डिग्री का हो। उसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर शिखर कितना है, 3 मीटर, और भूमि के साथ जो कोण है वो कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। फिसलन पट्टी भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 60 डिग्री का। इन दोनों ही केस में हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको, इस आकृति को नाम दे दूं ए बी सी और इसको पी क्यू आर, तो इस आकृति के लिए छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसमें हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें किसका मान निकालना है, एसी का। और बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसमें हमें किसका मान निकालना है, पी आर का। तो हमें ये मान निकालना है। अब आप देखिए, एक तो केस है कि छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी यही है ना हमारे पास, छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं, छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई ये दे रखी है, ये ऊंचाई है, इतनी ऊंची है, इतनी है ये हमारे पास
1.5 मीटर। और क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। 1.5 मीटर हमने किसको लिखा है, एबी को, यानी कि एबी बराबर है 1.5 मीटर। माना फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, एसी मीटर, यानी कि हमें एसी का मान ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में ये थीटा, यानी कि ये हमारे पास आधार है, ये हमारे पास कर्ण है और ये हमारे पास लंब है। हमें कर्ण निकालना है और लंब को यूज करना है। लंब और कर्ण किसमें आएंगे, साइन कोस टेंजेंट एल ए एल के ए, रिपीट करें, कर्ण निकालना है और लंब यूज करना है, तो लंब और कर्ण किसमें आते हैं, साइन में, ये यूज होगा हमारे पास। लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास ए बी, कर्ण है हमारे पास ए सी बराबर है साइन थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री। अब देखो एबी का मान है हमारे पास 1.5, एसी हमें निकालना है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री 1/2, आर पार गुणा कर दिया भाई, आर पार गुणा किया तो एसी आ जाएगा, ये 1.5 गुना में 2, तो एसी बराबर है 1.5 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा पूरा, 3.0 बनेगा ना, यानी कि 3 हो जाएगा पूरा। ये हमारे पास एसी, हमारे पास क्या था, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर है। लिख सकते हैं आप कि छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर है 3 मीटर, एक आंसर तो आ गया है हमारे पास। इसी प्रकार बड़े बच्चों के लिए हमें क्या करना है, पीआर का मान निकालना है। बड़े बच्चों के लिए हम किस तरह से सोल्व करेंगे इसको, हमारे पास पी क्या हूं कितना है, 3 मीटर, और पी आर का मान हमें ज्ञात करना है, थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। अब आप देखो कि समकोण त्रिभुज, पी क्यू आर में, फिर वही बात है कि थीटा हो गया तो ये हमारे पास आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है, तो लंब और कर्ण ही यूज करेंगे हम, लंब बटे कर्ण साइन थीटा वाला आ जाएगा, तो लंब है हमारे पास पी क्यू, कर्ण है हमारे पास पी आर, साइन थीटा, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, अब थीटा पी क्यू ये हमारे पास 3 मीटर, पी आर का मान हमें ज्ञात करना है, साइन 60 डिग्री होता है वर्गमूल 3/2, आर पार गुणा कर दी तो वर्गमूल 3, पी आर बराबर है 3/2, तो 3 वर्गमूल 3 पी आर बराबर है 6 हो जाएगा हमारे पास, तो पी आर बराबर है 6/3 वर्गमूल 3। फिर वही बात, हम क्या करते हैं, वर्गमूल को नीचे नहीं छोड़ते हैं तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये हो गया 6/3/ वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2/3। यही हमें चाहिए था, तो हम क्या लिख देंगे कि बड़े बच्चों के लिए, फिसलन पट्टी की लंबाई, बराबर है 2/3 मीटर।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेसिकली क्या डिफरेंस है, उसने दो क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, दो पार्ट कर दिए क्वेश्चन के, और कुछ भी नई बात नहीं है हमारे पास। प्यारे बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए ट्रिक है, इसमें से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यूज करना है। अब उसके लिए क्या करना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि किसका तो मान दिया हुआ है, लंब आधार और कर्ण में से किसका मान दिया हुआ है और किसका मान निकालना है। तो वो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में मिले उसका फॉर्मूला लगा देंगे, वो अप्लाई कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड।